अगर आपके पास एप्सन के किसी भी मॉडल का प्रिंटर अवेलेबल है और कुछ इस प्रकार से आप लोगों को प्रॉब्लम शो कर रही है, यानी कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बार बार रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है, यह प्रॉब्लम हमें पेपर जाम के टाइम शो होती है, लेकिन मैंने बहुत बार चेक किया कोई भी पेपर यहाँ पे जाम नहीं है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे आप अपने घर बैठे ही सॉल्व कर सकते हो, इसके बारे में पूरी ही जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम का सबसे पहला सॉल्यूशन है, आप लोगों को अपने प्रिंटर को 2 से 3 बार रीस्टार्ट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी 2 से 3 बार रीस्टार्ट कर लिया है, लेकिन मुझे कोई भी इसका रिजल्ट नहीं मिला है, इसलिए मैं इसे ओपन करूंगा। ओपन करने के लिए यहाँ पर हमें 2 स्क्रूब्स मिल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर दोनों ही स्क्रूब्स हटा लिए हैं। वीडियो को शॉर्ट करने के लिए ऑलरेडी मैंने स्क्रूब्स को हटा लिए थे। अब मैं ऊपर वाले कवर को यहाँ पे ओपन करूंगा। ऊपर वाले कवर को ओपन करने के लिए आप लोगों को बेसिकली इस प्रकार से अपने हाथ को लगाना है और आप लोगों को इस कवर को ऊपर की ओर खींचना है, जिसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आप लोगों का प्रिंटर फुल्ली ओपन हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को कुछ वायर्स मिलेंगे और प्रिंटर के कुछ पार्ट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा यह स्कैनर वाला पार्ट, या स्कैनर वाला पार्ट भी आप लोगों को यहाँ से कम्प्लीटली हटाना पड़ेगा, जिसके बाद आप लोग आराम से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो इस स्कैनर को हटाने के लिए कुछ वायर्स यहाँ पे आप लोगों को मिलते हैं, इन वायर्स को आप लोगों को डीअटैच करना होगा। और इस काम को करने के टाइम आप लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि प्रिंटर के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कि डैमेज हो सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपने प्रिंटर को ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि क्या कोई भी पेज या फिर कोई भी पेपर का टुकड़ा हमारे प्रिंटर के अंदर जाम है या फिर नहीं। अगर कोई भी पेपर आप लोगों को प्रिंटर के अंदर में मिलता है, तो सबसे पहले आप उस पेपर को साफ करोगे, उसके बाद ही आप लोगों को इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कुछ वायर्स भी देखने को मिलते हैं। अगर आप लोगों का कोई भी पार्ट्स टूटा हुआ है तो आप लोग उसे भी चेक कर सकते हो, क्योंकि यह प्रॉब्लम आप लोगों को पार्ट्स टूटने पर भी मिल सकती है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मेरे केस में मेरा वायर यहाँ पर टूटा हुआ है। यह प्रॉब्लम मुझे क्यों हो रहा है इसका कारण मुझे पता चल चुका है। जैसे ही मैंने इसे ओपन किया आप लोगों को यहाँ पर पता चल ही गया होगा कि यह वायर्स कटा हुआ है। मैंने इस प्रिंटर को बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया था, इसलिए दोस्तों कुछ चूहे अंदर घुसे हुए थे और उन्होंने ही इस वायर्स को काटा है। और इन चूहों ने तो कुछ पार्ट्स को भी डैमेज किया है प्रिंटर के, लेकिन उन पार्ट्स के बिना यह प्रिंटर चल जाएगा। बेसिकली हमें इस वायर को ऐड करना होगा, उसके बाद हम लोगों का प्रिंटर सही से वर्क करने लगेगा। आप लोग भी अपने प्रिंटर को चेक कर लोगे कि कोई भी पार्ट्स टूटा हुआ तो नहीं है या फिर कोई भी वायर टूटा हुआ तो नहीं है। इस वायर को हम लोग ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें पावर देंगे, वापस से स्कैनर को रिकनेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने प्रिंटर को सही से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो ये जो काम है ये काफी सावधानी से आप लोगों को करना होगा। मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, इसलिए मैं अपने हाथों से ही इसे अटैच कर रहा हूँ। ये और ये अटैचमेंट का कंप्लीट प्रोसेस खत्म हो चुका है। अब हमें वापस से स्कैनर को यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ही हम लोग अपने प्रिंटर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप लोगों को टोटल 3 वायर्स मिल जाएंगे। इन 3 वायर्स को आप लोगों को कनेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप लोगों का स्कैनर यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट होने वाला है। और इन वायर्स की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन इसे अटैच करने में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा। इसीलिए दोस्तों आप लोगों को साइड वाले कवर को, साइड वाले पैनल को आपको हटा लेना है, उसके बाद ही इन वायर्स को अटैच करना है। चलिए मैं ट्राई कर लेता हूँ पहले कि यहाँ से अटैच हो रहा है या फिर नहीं। ये तो अटैच नहीं होगा, इसलिए मैं साइड वाले कवर को यहाँ से हटाऊँगा, उसके बाद ही दोस्तों मैं अपने स्कैनर को यहाँ से अटैच कर लूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने साइड वाले पैनल को हटा लिया है और यहाँ पर मैंने दोनों ही वायर्स को कनेक्ट किया हुआ है। लास्ट ये वायर बचा हुआ है, इस वायर को भी हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर वाला जो पैनल है यानी कि स्कैनर पैनल है, उसे भी हम लोग यहाँ पर सही से फिट करेंगे। वायर्स को कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आप साइड वाले पैनल को फिट करोगे, जिसके बाद आप लोगों को स्कैनर वाले पैनल को फिट करना होगा। तो साइड वाले पैनल को सही जगह पर सही पोजिशन में हमें लाना होगा, जिससे कि हम लोगों का स्क्रूब लग सके। तो यहाँ पर हम लोग साइड वाले पैनल को लगा चुके हैं, उसके बाद आप लोगों को चेक कर लेना है चारों तरफ से कि यह हमारा पूरी तरह से सेट हुआ है या फिर नहीं। आप लोग देख सकते हो मैं दोबारा चेक कर रहा हूं कि हमारा स्कैनर वाला पार्ट सही से लगा हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि अगर आप लोगों का स्कैनर वाला पार्ट सही से नहीं लगता है तो आप लोगों का स्क्रू भी नहीं लगेगा और आप लोगों को स्कैनिंग और प्रिंटिंग में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहां पर सही से स्क्रूब्स को लगाने के बाद आप लोग चेक कर लोगे अपने प्रिंटर को कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है या फिर नहीं। तो चलिए हम लोग अपने डेटा केबल को यहां पर लगाते हैं, उसके बाद हम लोग अपने पावर केबल को लगाएंगे और उसके बाद हम लोग एक प्रिंट कमांड देंगे या फिर हम लोग एक जेरोक्स करने वाले हैं।
तो चलिए फटाफट मैं अपने स्विच को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने केबल को तो अटैच कर लिया है। स्विच को ऑन करने के बाद हम सबसे पहले अपने प्रिंटर को ऑन करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, स्विच देने के बाद प्रिंटर को हमने ऑन किया और आप लोग यहाँ पर सामने देख सकते हो लाइव की कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने नहीं आ रही है। यहाँ पर कोई भी लाइट हमारा ब्लिंक नहीं कर रहा है। आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही लाइट ब्लिंक करने मिल सकते हैं, लेकिन दोनों ही लाइट्स अगर ब्लिंक होती है उसके कुछ सेकेंड बाद आप लोगों का ये लाइट का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर अपने एक पेपर को प्रिंट भी कर लेते हैं कि हमारा जेरॉक्स सही से हो रहा है या फिर नहीं। पहले तो यहाँ पर कोई भी पेपर प्रिंट नहीं हो रहा था। चलिए हम लोग यहाँ पे जेरॉक्स वाले बटन पर क्लिक करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा पेपर यहाँ पे अंदर जा चुका है और यहाँ पर हमारा जेरॉक्स भी सक्सेसफुली तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये सारी ही डिटेल्स बता दी कि कैसे आप लोगों को ये लाइट ब्लिंकिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे नए अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय दोस्तों।